दीपावली के पर्व को लेकर प्रदेश में धूम मची है और इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपके यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि तिवारी हुंडा पर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से गाड़ियों की जो है वो ख़रीदारी है वो तेज़ हो गई है। धनतेरस के दिन अगर हम आपको बता दें कि धनतेरस के दिन जो है ख़रीदारी करना शुभ माना जाता है और तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और गाड़ियों की ख़रीदारी कर रहे हैं और इस बार जो है महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है। भले ही त्यौहार जो है दीपावली का पर्व जो है लेकिन इस बार महंगाई जो है वो भी अपनी चरम पर है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के ऑनर हैं, हम आपसे जानेंगे कितना फ़र्क डाल रही है गाड़ियों की ख़रीदारी में पिछली साल और इस साल की अपेक्षा। पिछली साल और इस साल की अपेक्षा होंडा का ग्रोथ हुआ है और गाड़ियों में सेल भी अच्छी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेट्रोल को लेकर और महंगाई को लेकर फ़र्क तो पड़ा है। मार्केट थोड़ा ढीला है, ठीक है, लोगों के पास पैसे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं आज भी, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंस की गाड़ियां ले रहे हैं। अब पहले क्या होता था, जैसे 50% 60% लोग कैश के लेते थे, अब वो बात नहीं है, लगभग 85% लोग फाइनेंस की ही गाड़ियां ले रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको देखते हुए होंडा के एवरेज या हर चीज़ जो भी देखा जाए अच्छी ग्रोथ पे है। आपके पास कौन सी स्पेशली गाड़ियाँ होंगी जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है? सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय हम लोगों की अगर देखा जाए तो जैसे सुपर बिकती थी गमछा फेंक के गाँव में या कहीं भी शहर में, सेम वही कंडीशन हमारी एसपी का हुआ है, CD-110 का हुआ है, लीवो का हुआ है, क्योंकि इनका एवरेज 70 के नीचे किसी का नहीं है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और सबसे कम खर्चे की गाड़ियाँ हैं। अच्छा, डिमांड किस गाड़ियों की ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा तो अगर ये रूलर एरिया है तो डिमांड किस तरीके की है? रूलर एरिया ना कहिए इसको आप, क्योंकि पहले शहर में एक्टिवा बिकती थी, अब तो गाँव शहर सब बराबर हो गया क्योंकि हर जगह की रोड वगैरह सब जगह अच्छी हो गई हैं, तो जो कि सबको दिखता है और है भी वास्तव में, तो एक्टिवा साइन एसपी सब निकल रही हैं, अच्छी गाड़ी निकल रही हैं। होंडा एकदम जब वही कह रहे हैं इसका ग्रोथ हुआ है इसका। आपकी ओर से जहाँ के जो ग्राहक हैं उनकी कितनी राहत दी जा रही है, क्योंकि पहले एजेंसियाँ शहर में होती थी, वहाँ जाइए लोगों को दूर जाना होता था, तो आप अब उस अपने ही क्षेत्र में इस तरीके की सुविधा दे रहे हैं, तो कितनी राहत होगी लोगों को? लोगों को राहत बहुत काफ़ी, आपके नज़दीक में ही आपको मिल रहा है, सर्विस सेंटर मिल गया, कहीं दूर नहीं जाना है और कोई बाहर का नहीं है, सब लोकल हैं। और हमारे बड़े भैया रंगीले त्रिपाठी जी हैं, उनके सानिध्य में इस बार उनके तरफ से या होंडा की तरफ से हम लोगों ने इस पर बम्पर इनाम वगैरह भी रखा है जो कि हर कस्टमर को दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ही गिफ्ट है और टीवी है, एलईडी टीवी है और डिश एंटीना वगैरह बहुत सी कुछ गिफ्ट हैं जो कि अच्छा चल रहा है। और आज के इस धनतेरस के त्यौहार पे हमारे यहाँ गेस्ट कहिए या अभिभावक कहिए, जिनको भी कहिए, मिस्टर रंगीले त्रिपाठी जी हैं, राजन भैया जी हैं, अब कहने को पत्रकार हैं लेकिन वो हमारे घर के ही हैं, तो इन लोगों का आशीर्वाद और प्यार बना है जिससे हम इसमें ग्रोथ करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे ये इस स्कूटी के साथ एक बड़ा उपहार जो है दिवाली का वो ग्राहकों को दिया जा रहा है। साथ में सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि अगर रफ्तार बढ़ती है तो उससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों की डिमांड पिछले साल की अपेक्षा इस बार बढ़े हैं, क्योंकि पिछले साल कोरोना का कहर भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो है लोग जो हैं ख़रीदारी करने के लिए मार्केट में दिख रहे हैं। आप सभी जय भारत के दर्शकों को दीपावली की एक बार पुनः ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएँ।